हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे ही DIY हेयर केयर रेमेडी, जिसकी हेल्प से अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएं, शाइनी हो जाएं, अगर आपको लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ की दिक्कत हो गई है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे बेजान लग रहे हैं, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है आपके बालों के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के मैं इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट का एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद अगली चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों से डैंड्रफ को रिमूव करेगा, आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बाल रूखे सूखे बेजान लग रहे हैं तो कोकोनट ऑयल आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज रखेगा। उसके बाद अगली चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है शुगर। आपको इसमें चीनी ऐड करनी है एक चम्मच। चीनी आपके बालों में शाइन लेकर आएगी, बालों को डीपली क्लीन करेगी और बालों को लंबा घना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और चीनी सबके घर में अवेलेबल होती ही है। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है शैम्पू। आप अपने बालों को वॉश करने के लिए जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आपको वो लेना है। मैं यहाँ पर डव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप इसकी क्वान्टिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैकेट शैम्पू डाल रही हूँ, आपकी क्वांटिटी जितनी आप उतना डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, आपको नॉर्मल गुनगुना पानी लेना है जिससे आपका जो ये मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो जाएगा। एक कप आप इसमें गुनगुना पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमारी DIY हेयर केयर रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ जैसे कि आप जो भी आप अपने बाल धोते हैं, जिस दिन भी आपको अपने बाल धोने हैं, उससे आधे घंटे पहले आपको इस रेमेडी को अपने बालों में अपनी जड़ों से लेके अपने बालों की लेंथ तक अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मसाज करते हुए अप्लाई करते हुए आपको शावर कैप अप्लाई कर लेनी है और आधे घंटे बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया है तो आप इसमें पानी थोड़ा कम डालें ताकि आपके बालों से पानी जो है वो गिरे ना, या फिर आप बाल जैसे धोते हैं उस टाइम पे इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मसाज करते हुए आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप इसे आधा घंटा रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ही डालें ताकि एक पेस्ट की तरह ही आपके बालों पे अप्लाई हो जाए, और उसके बाद आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है, बालों को कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे घने मजबूत हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा जो रूखे बेजान लग रहे हैं उसमें शाइन आ जाएगी और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।